गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। आज है शुक्रवार का दिन, एक दिन की छुट्टी के बाद हम आए हैं और फिर वीकेंड पे जाने की तैयारी, तो एक सैंडविच सेशन की तैयारी। और एक दिन की छुट्टी पे आए तो यानी कि दो दिनों के यूएस के क्यूज हमें आज डाइजेस्ट करने, वो क्यूज आप लोगों के लिए ग्राउंड रिपोर्ट के तौर पर स्क्रीन पर आएंगे। दरअसल ध्यान रखिएगा, यूएस में जब हम लोग वेनसडे को मार्केट क्लोज करके गए थे तो हम हल्की कमजोरी डाइजेस्ट करके गए थे, पर यूएस में एक्चुअली 1-1% अक्रॉस बेंचमार्क्स का पेन देखने को मिला वेनसडे के दिन, क्योंकि वहां पे फेड मिनट्स और फेड मिनट्स को लेके कंसर्न्स कि शायद वो टेपरिंग की शुरुआत इस साल के अंत से पहले होती हुई शायद आपको नजर आए, इसीलिए मूड बिगड़ा। क्योंकि ये मार्केट सब जानते हैं लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, और लिक्विडिटी पे लगाम लगना मूड बिगाड़ने वाला काम। अच्छा, फ्राइडे वेनसडे के प्रेशर के बाद कल का मार्केट भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। कल संभले नहीं कहूंगा, काल जहां पिटे हुए थे वेनसडे को वही क्लोज हुए, संभले नहीं, उन्हीं क्लोजिंग लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट करके यूएस मार्केट्स बंद होते हुए नजर आए। तो ऊपर आपकी स्क्रीन पे एसजेक्स निफ्टी दिखा रहा है 11 पॉइंट का दबाव। दरअसल अगर मैं दो दिनों के क्यूज को एडजस्ट करूं तो ये 200 पॉइंट से ज्यादा ही कमजोरी के साथ आज शुरुआती टिक्स में इंडिकेशंस दिखा रहा है कि हम इतने डिप के साथ खुलेंगे। तो ग्राउंड थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, और ग्राउंड पे अगर स्टेडियम में बैठा हूं तो पिच की विजिबिलिटी नहीं आ रही है। करेक्ट, आपने तो मुआयना कर लिया है क्या? हम लोग जाते हैं तो सिक्योरिटी वाले भगा देते हैं। बॉल आज घूमेगी बहुत, आज बहुत तगड़ी स्पिन होगी बॉल। आपको ऐसा लगेगा कि बॉल सीधी आ रही है क्योंकि क्रूड नीचे है तो बॉल सीधी आएगी। अगर बल्ले पे आ गई तो सिक्स, अदरवाइज टप्पा नहीं खाने दे, सीधे मार दे तो बात अलग है। अब आप टप्पा को मिस करके आगे बढ़ के मार दे तो अलग बात है, या मार पाओ तो अलग बात है। अदरवाइज टप्पा खाने के बाद बॉल स्विंग करेगी तगड़े, क्योंकि जो कंसर्न है ना वो सीरियस है। अब उसमें क्या आएगी, देखिए पैसा का फ्लो जिस दिन ऐलान हो गया कि अब कम टॉप आउट। दूसरा कोविड वाला, जो मुझे तो आज पढ़ के बड़ा आश्चर्य लगा कि वहाँ धीरे 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 इतना बढ़ गया वहाँ पे कि 90% बेड्स भर गए, चार स्टेट में बड़ी मुश्किल हो रही है, कह रहे हैं फरवरी वाली सिचुएशन हो रही, ये कंसर्न है वहाँ पे। उससे क्या हुआ, इकोनॉमिक रिकवरी पे क्वेश्चन मार्क आ गया कि क्या उतनी तेज़ी से होगी कि नहीं होगी। क्रूड इसीलिए 66 तक आ गया था, तो मुझे लगता थोड़ा सा मार्केट ये इस चिंता में रहेगा। भारत के लिए हम पॉजिटिव ढूंढ रहे हैं तो हमको लगता है क्रूड इतना नीचे आया तो हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि हमारे यहाँ कोविड केसेस नहीं है, रिकवरी तेज़ी से हो रही है, यहाँ पे ओपन अप हो रहा है। लेकिन असली खेल तो पैसे का है, पैसा जब तक आ रहा है नीचे बना हुआ तब तक ही आपकी रिकवरी रहेगी। आप कितना भी कह लीजिए कि डोमेस्टिक फंड्स के सपोर्ट मिलता है, लेकिन सच्चाई ये कि एफआईआई फंड बंद होता है तो फिर आपका मार्केट ठहर जाता है। मुझे लगता है उस कॉशियस अप्रोच के साथ आप ट्रेड करना चाहिए मार्केट में, चूँकि एक दिन की गैप भी है बीच में, तो निफ्टी किस तरह से खुलेगा, किस तरह से ट्रेड करेगा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक गैप डाउन तो होना है, गैप डाउन के बाद का बिहेवियर देखना होगा कैसा है भारतीय बाजारों का। थोड़ा सा चैलेंजिंग विकेट है, ठीक है, रोज ऐसा नहीं हो सकता कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही खेलने को मिले, कभी कभी वो, लेकिन मैं तो बल्लेबाजी करिए मूड में हूँ आज भी। नहीं तो मैंने इक्वल लाइनअप रखा हुआ है ऑलमोस्ट, मोटा मोटी ऐसा नहीं करा कि अक्रॉस द बोर्ड बल्ले, लेकिन हाँ नहीं कुछ नहीं कहूंगा, छोड़ देते हैं, देखा जाएगा अब शाम को क्या जो मार्केट सुप्रीम है भाई। हाँ, मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक पॉकेट्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक दिक्कत है, मैंने शुरुआत सेल से करी है और एक गैप डाउन ओपनिंग तो मेरे सेल को मिल जाएगी, उसके बाद का बिहेवियर आपको स्क्रीन को वॉच आउट करना पड़ेगा, उसके बाद एग्रेसिवली पोजिशन लीजिएगा। बाय में ये है कि गैप डाउन खुलेंगे तो शायद इवेंचुअली दिन के दौरान उन लोअर लेवल से एक रिकवरी देखने को मिल जाए, ये ध्यान रखिएगा आप जरा। लेकिन जो स्टॉक्स मेंशन कर रहा हूं उनके लिए पेन पॉइंट्स हैं, इसीलिए ना सिर्फ आज का दबाव, अगले कुछ दिनों तक रह के शायद इन स्टॉक्स में रिलेटिव वीकनेस रहेगी। तो पहले दो स्टॉक्स हैं जिसमें एक साथ दिखा सकते हैं डॉक्टर साहब आप, एक वेदांता और दूसरा एनएमडीसी मेटल्स, बट ऑब्वियस थोड़े वीकर विकेट पे आ गए और मल्टीपल रीजंस हैं इन दोनों स्टॉक्स को सिंगल आउट करके मेंशन करने के लिए। आयरन ओर के जो फ्यूचर्स हैं तगड़ा प्रेशर इंटरनेशनल मार्केट्स में दिखा रहे हैं। एक दिन की छुट्टी के बीच में आपने तमाम रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी कि 10-12% के आसपास सिंगापुर मार्केट्स में जो ट्रेड होता है इस तरह का डबल डिजिट फॉल वहां पे था। क्यों आ रहा है फॉल? चाइनीज स्टील आउटपुट को लेके कंसर्न्स हैं वापस कंजम्पशन ढीला पड़ने के, और सबसे बड़ा कंसर्न तो अभी फेड ने भी दे दिया, अगर टेपरिंग की शुरुआत हो रही है
तो वैसे ही मेटल्स को लेकर मूड बिगड़ना शुरू होता है। पर क्योंकि आयरन और फ्यूचर्स इन स्पेसिफिक पिटे थे, इसीलिए सिर्फ ये दोनों स्टॉक्स, वेदांता वो सेसक हुआ जो एक्विजिशन करा था, अच्छा खासा एक्विजिशन के चलते इस पॉकेट में एक्सपोजर है और एक्सपोर्ट्स भी करता है, तो वैसे ही डायरेक्टली मूड बिगड़ जाता है। 285 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे अप्रोच करेगा। वेदांता वैसे बीच में पिट गया था वो डिविडेंड अनाउंसमेंट के चलते, मुझे लगता है कि फिर भी फर्दर डाउनसाइड ये स्टॉक देता हुआ नजर आएगा। और लाइकवाइज एनएमडीसी में माना है कि बिकवाली करके चलिए, प्रेशर यहां पे भी माउंट होता हुआ शायद इस समय नजर आए। अच्छा, चूंकि हमने कहा कि हमने खरीदारी किया, तो हमने थोड़ा सा दूसरे साइड से रास्ता बना लिया कि क्रूड से रिलेटेड कंपनीज में ONGC आप सेल कर सकते थे, लेकिन मैंने उसको नहीं लिया। मैंने लिया है। आपने लिया है? हाँ। ओके, गुड। तो मैंने तो उसका उल्टा कर दिया, हमने कहा जहाँ पे फायदा हो सकता है। हाँ। पेंट कंपनियों को बर्जर पेंट, इंडिगो पेंट, कंसाइन नेरोलैक, तीन एक साथ दिखा दीजिए। पेंट कंपनी को इसलिए लिया कि एक तो क्रूड के गिरने से उनको फायदा होगा। एशियन पेंट ने परसों दाम बढ़ाने की अपनी बात कही दी थी कि वो प्रोडक्ट के प्राइसिंग पास ऑन करेंगे। और तीसरा एक बड़ा रीज़न है कि देखिए, अब इंडिया में मानसून खत्म हो रहा है धीरे धीरे, अब फेस्टिवल सीजन आ रहा है दिवाली के आसपास, ये सब काम तेज़ी से बढ़ते हैं, इंफ्रा काम बहुत, तो डिमांड बहुत है भारत में, तो इसलिए पेंट कंपनी को ध्यान रखिएगा। एक और दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेंट से संबंधित, कि जब भी कोई मंदी या इस तरह की मुश्किल आती है इकोनॉमिक में, तो जो छोटे प्लेयर होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर, वो बेचारे बहुत दिक्कत में जाते हैं, बहुत सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, तो वो मार्केट शेयर सीधे इनके पास जाता है। अब ये बात भी सच है कि अभी उनकी रेवेन्यू में वो दिख रहे नहीं रहा है, वो उतना बड़ा रेवेन्यू आया नहीं है, क्योंकि अभी 70% मार्केट अनऑर्गेनाइज था, लेकिन वो आएगा भविष्य में, इसीलिए आपको एशियन पेंट 3000 से ऊपर दिख रहा है। तो ये जो गेन होता है बड़ी कंपनीज को, एस्टेब्लिश प्लेयर को, क्योंकि वो उस मंदी को झेल जाते हैं, तो इसलिए मैं लगता है इसमें ध्यान रखना चाहिए। और बहुत सारे टेलविंड्स हैं इन कंपनीज के लिए, तो बर्जर, इंडिगो और कंसाई तीनों भी खरीदारी सलाह होगी। ओके, क्विकली अगले कुछ और सेल कॉल्स पहले निपटा देता हूँ, उसके बाद अच्छी बातें करेंगे थोड़ी सी। एक्सिस बैंक फाइनेंशियल्स में मेटल्स के अलावा शायद प्रेशर माउंट होगा, तो एक्सिस बैंक पे बिकवाली करने का कॉल। ONGC की चर्चा हो ही गई, कच्चा तेल जहां छोड़ा था ऑलमोस्ट $70 पे $66 की तरफ अब बढ़ रहा है। इस तरह का कच्चे तेल में वीकनेस आती हुई तो अपस्ट्रीम कंपनीज, बट ऑब्वियसली रडार पर, 109 के टारगेट्स के लिए यहां पर। और मदरसन सुमी एक ऑटो एंसिलरी, मैंने कहा था हर एक सेल एक रीजन के साथ है। मदरसन सुमी का सबसे बड़ा चार्म है कि हिंदुस्तान से ज्यादा ग्लोबली एक्सपोजर, यूरोपियन मार्केट्स पे बहुत तगड़ा एक्सपोजर है ना, और इस समय चैलेंजेस वही है। इस एक दिन की छुट्टी के बीच में फोक्सवैगन ने अनाउंस करा कि जो पहले चिप शॉर्टेजेस के चलते हम लोग कह रहे थे कि प्रोडक्शन कर्टेल करना पड़ेगा, उससे ज्यादा शायद इस समय इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसी बीच टोयोटा की तरफ से खबर आई कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ने लगा है चिप मैन्युफैक्चर, चिप शॉर्टेजेस का। टाटा मोटर्स अपने या मारुति अपने इन हाउस डोमेस्टिकली तो कह ही चुके हैं, पर ये बड़े प्लेयर्स जिन पे और भी एक्सपोजर रखती हैं कई सारी इंडिया की ऑटो एंसिलरी कंपनीज, वहां पे इस तरह की प्रोडक्शन चैलेंजेस हैं, तो बट ऑब्वियस है जो सप्लाई करते हैं उनके लिए दिक्कतें हैं। मदरसन सुमी इसीलिए 206 के टारगेट के साथ अप्रोच कर। अच्छा, चौथा स्टॉक भी शालीमार पेंट्स है, इसमें भी खरीदारी की सलाह है, रीजन हमने अभी आपको बताए। और जो पांचवा स्टॉक है वो टाटा मोटर्स है, सेल साइड का। क्यों सेल साइड का भी आशीष ने आपको बताया कि चिप शॉर्टेज है और टोयोटा ने जो उसको एक्सेप्ट किया कि वो सितंबर में 40% प्रोडक्शन कम करेंगे, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। टाटा इसलिए क्योंकि ग्लोबल मार्केट का आपका बड़ा एक्सपोजर, आपका JLR से सबसे ज़्यादा धंधा आता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ही से आता है, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, कंपनी खुद भी इसको स्वीकार कर रही है। मुझे लगता है यहाँ पे आज के लिए सेल होगा और यहाँ पे 285 के टारगेट को आप ले सकते हैं। डिपेंडेबल BHEL तगड़े करेक्शन के बाद आपने देखा होगा वेनसडे को चलना शुरू हुआ है। अब ये रीजन था या चलने का कुछ और रीजन था, लेकिन एक रीजन मेरे हाथ में आया, इंटरेस्टिंग है बहुत। हम लोग ई व्हीकल्स, ई चार्जिंग, ई सेटअप के लिए कई सारी कंपनी से दाव लगाते हैं, काम ये लोग कर रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर है, तो ये स्मार्टली बिजनेस को जो चेंज। कल अपडेट आया कि दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पहला हाईवे बन गया है ई व्हीकल फ्रेंडली। एक नेटवर्क सेटअप कर दिया गया है सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का, उस नेटवर्क को एस्टैब्लिश करा है BHEL ने, वो जो फेम पॉलिसी सरकार की थी फेम वन, उसके अंतर्गत ये पूरा का पूरा वो दिल्ली चंडीगढ़ के बीच में ये स्टेशन सेटअप करी थी। बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है रीसेंट करेक्शन के बाद अच्छा मूव देना चाहिए, नॉट नेसेसरली आज का बाजार, इसलिए 22 भी रखिएगा, क्योंकि खबरें अच्छी है, मार्केट का मूड सुधरा तो मुझे लगता है अच्छा मूव ये स्टॉक डिलीवर करेंगे। डिपेंडेबल मेरा स्टॉक है अपार इंडस्ट्रीज, ये भी एक वैसे ही प्ले है जो तेल से जुड़ा हुआ है, और मुझे लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए। कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है, जो इंजन ऑयल या जो
बड़े फर्नेस ऑयल ये बनाते हैं उसमें ये आईओसी को टक्कर देती है कंपनी, तो मुझे लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो डेरिवेटिव्स यूज़ करते हैं ना उनके लिए मार्जिन इंप्रूवमेंट डेफिनेटली इसमें होगा। तो 625 का चूँकि मार्केट बहुत अच्छा नहीं है तो इसलिए 625 को टारगेट लेते हुए अपार इंडस्ट्रीज़ में खरीदारी कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से लौट के आके आप बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब फ्री हिट पिंच हिटर की बारी। फ्री हिट में है स्नाइडर इलेक्ट्रिक। सरकार ने कल एक गजटेड नोटिफिकेशन जारी किया है कि पूरे हिंदुस्तान में 100% प्री पेड इलेक्ट्रिक मीटर लगेंगे, और इसके लिए दो फेज में होंगे, एक 2023 तक और फिर उसके बाद 2025 तक, जहाँ सबसे ज़्यादा पिलफरेज है, TND लॉसेज हैं, वहाँ पे सबसे पहले लगेंगे 50% 2023 तक कंप्लीट करने, और फिर बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में 2025 तक। तो इससे फ़ायदा किनको होगा जो मीटर बना रहे हैं? खबर ये थी कि इससे पहले जो एक एनर्जी एफिशिएंसी ने और फ्लोडर टेंडर फ्लोट किया था 23 करोड़ मीटर्स के लिए, उसमें स्नाइडर इलेक्ट्रिक इन सब ने बिड किया था, और 8वां स्टॉक है जो HPL इलेक्ट्रिक है, वो भी इसी खबर पे है, तो इन दोनों में खरीदारी कर सकते हैं। बढ़िया खबर आती हुई इनके लिए। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी, लार्ज, अच्छा इस बाजार में उठा पटक के बीच में बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं मैं उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉट नेसेसरली फिर आज ही चलना शुरू हो, पर इन स्टॉक्स रेड आप रखेंगे। क्लीन साइंस में प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने 6.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं वेनसडे को। शिवा सीमेंट इसीलिए क्योंकि JSW सीमेंट में AP एशिया अपॉर्चुनिटीज होल्डिंग अब 12.5% स्टेक एक्वायर करेगा। हरी झंडी मिल गई है JSW सीमेंट, ध्यान रखें शिवा सीमेंट की पेरेंट है लेकिन एक्स ग्रुप कंपनी, यानी कि सिर्फ BSE लिस्टेड। आपकी स्क्रीन पर टारगेट्स, क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पर अगले दो स्टॉक्स और टीम्स का क्विक रैप अप। स्वागत है आखिरी के दो स्टॉक में, एक और इलेक्ट्रिक मीटर वाली कंपनी जेनस पावर इंफ्रा, इसमें भी खरीदारी से है। खबर आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि गजट हुआ है कि पूरे देश में प्री पेड मीटर लगेंगे, और आखिरी स्टॉक है JTL इंफ्रा। वीकेंड में खबर आई कि इन्होंने एक कंपनी चेतन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एक्वायर करके इसमें मर्ज करेंगे। JTL इंफ्रा भी पाइप बनाने वाली कंपनी, इंफ्रा से इसका मतलब पाइप, हॉलो पाइप, और चेतन भी हॉलो पाइप की कंपनी है, दोनों को मर्ज किया गया। इसके पीछे रीजनिंग ये दी गई कि दोनों चूंकि सेम प्रोडक्ट बनाती हैं तो इनकी अपनी कैपेसिटी इन्हांस हो रही है, और पाइप सेक्टर में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ देखने को मिलेगी, तो इसलिए हमें लगता है 800 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं। दो और जहाँ पे बाइंग हुई थी स्टॉक्स मेंशन कर रहा हूँ, आवास फाइनेंशियल्स, और यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने 5.5-6.5 लाख शेयर्स, और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 26.3 लाख शेयर्स खरीदे हैं। लेक डिस्ट्रिक्ट होल्डिंग्स ने चंक बेचा था, मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन हो रहे हैं, 3,000 से ऊपर का साल का हाई था। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में कुबेर इंडिया फंड ने 20 लाख शेयर्स वेनसडे को एक्वायर करें, तो एग्रेसिव बाइंग कई सारे स्टॉक्स में हो रही है। इन स्टॉक्स को डाप रखिए और क्विकली 10 की टीम बैक आप स्क्रीन पर दिखा दीजिए। शुरुआत कुछ सेल कॉल के साथ करी थी, वेदांता, NMDC, मेटल शायद कमजोर होंगे, और उसमें भी खास तौर पर आयरन ओर फ्यूचर्स को लेकर जो कंसर्न है। एक्सिस बैंक, ONGC में दबाव, ONGC इसीलिए क्योंकि कच्चा तेल $66 के करीब पहुंच गया है। मधुसूदन सुमी इसीलिए क्योंकि बहुत तगड़ा ग्लोबल एक्सपोजर, और फोक्सवैगन हो, टोयोटा हो, अब सब चिप की कंसर्न्स और आधा आधा प्रोडक्शन करने की बात कर रहे हैं, एक्सपोजर इस कंपनी का है इसलिए दिक्कत। डिपेंडेबल रखा था BHEL को ई चार्जिंग स्टेशन के चलते, और उसके बाद सारी टीम क्विकली बता देता हूं आपको। फ्रीड के तौर पे था क्लीन साइंस, लार्ज ट्रेड होता हुआ, शिवा सीमेंट खबरों के बीच में, आवास फाइनेंशियल्स में भी एक लार्ज ट्रेड था, और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस में लाइकवाइज कुबेर इंडिया फंड ने खरीदारी करी। खरीदारी पे पूरा फोकस है, और शुरुआत में पेंट कंपनी को ध्यान रखा है क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम काफी गिर गए हैं, 66-67 के आसपास आ गए, तो इन कंपनीज को फायदा हो सकता है, इसलिए बर्जर पेंट, इंडिगो, कंसाइन डरलेक और शालीमार पेंट्स। टाटा मोटर्स में सेल कॉल है क्योंकि चिप की शॉर्टेज लगातार बढ़ती जा रही है, और टोयोटा जैसी कंपनीज कह रहे हैं कि 40% प्रोडक्शन कम करेंगे। अपार इंडस्ट्रीज में भी ध्यान रखिएगा, ये भी जो है क्रूड से रिलेटेड कंपनी है, तो इसको फायदा हो सकता है। इलेक्ट्रिक मीटर अब प्रीपेड लगाने की तैयारी है देश भर में, तो उसकी वजह से स्नाइडर, HPL इलेक्ट्रिक और जेनस पावर और JTL इंफ्रा ने एक कंपनी को एक्वायर किया है, और उसके बाद उसको मर्जर करने जा रही है, इस वजह से इसको खरीदार कर सकते हैं।